हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की 24 घंटे की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है इनके साथ में, किस तरीके की एनर्जी में ये रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। फर्स्ट कार्ड है आपके पार्टनर की तरफ नाइट ऑफ कप्स। सामने से खुद आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। इवन एनर्जी है यहाँ पे कि इनकी लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ, अबंडेंस, करियर में अपॉर्चुनिटी सामने से इनकी लाइफ में आ सकती है। जॉबलेस है तो कोई छोटी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई नया फ्रेंड बन जाए इनका, या कोई नई फ्रेंड बन जाए, ठीक है। कुछ सामने से आएगा इनकी तरफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ क्लैरिटी, किसी तरीके की गुड न्यूज ये रिसीव करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन में इन्हें किसी सिचुएशन में काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। वेटिंग एनर्जी में रहें, डिलेड एनर्जी में रहें, अंदर ही अंदर किसी चीज का इन्हें इंतजार हो, या किसी सिचुएशन में इंतजार विद पेशेंस, ये सिचुएशन इन्हें हैंडल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, पैसे को लेकर किसी तरीके का स्ट्रेस। एनर्जी ये भी गाइड करी है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर कोई तबीयत खराब होना, किसी और की तबीयत खराब होना तो कहीं डॉक्टर के पास ले जाना। यहाँ पर ये भी वाइब्स है कि आज के दिन में ये आपको काफी ज्यादा मिस कर सकता है। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, परेशान हो जाना और आपको चेज करने की कोशिश करना, ठीक है। चेस करने की कोशिश करने का मतलब मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे क्या उससे कांटेक्ट कर लूं, ऐसा सही नहीं हो, मतलब जैसे कोई चीज इनको पता चले और इनको उस चीज का गिल्ट हो। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन में इनको कहीं पे सक्सेस मिल सकती है किसी एरिया में, चाहे करियर हो, जमीन से जुड़ा कोई केस हो या फिर लव लाइफ, किसी तरीके से सक्सेस आपके पार्टनर को आज के दिन में मिल सकती है, ठीक है। कोई काम इनका बन सकता है, इनको बहुत ज्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन मिले, तारीफें मिले, अप्रिशिएशन मिलने की एनर्जी है। नेक्स्ट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन में किसी स्टक सिचुएशन में ये काफी ज्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। स्टक सिचुएशन की वजह से इनका दिमाग खराब रहे, एनर्जीज ब्लॉक्ड रहे, बहुत ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए इनके लाइफ में आज के दिन में अचानक से, जिसकी वजह से ये टेंशन में आ जाए। अब कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कैसे कुछ हो सकता है, मतलब अचानक से कोई पांचवा पैर निकलने लग जाए और इनको टेंशन हो जाए उसी चीज की। लास्ट यहां पे है द हर्मिट। अवेकनिंग को फेस करेंगे, डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को झेलने की एनर्जी है। अकेले रहना पसंद करें, डिवाइन की तरफ बहुत ज्यादा खुद को इंक्लाइन करने की कोशिश करें, पूजा पाठ करें बहुत ज्यादा। घर में किसी वृद्ध व्यक्ति, किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ कुछ डिस्कस करने की एनर्जी है। इवन यहां पर किसी एंसेस्टर की एनर्जी है, जैसे होता है ना ड्रीम्स में आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ रिचुअल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, तो कुछ ये वाली वाइब्स है यहाँ पे। किसी घर में बुजुर्ग की तबीयत खराब हो तो ये कहीं दिखाने लेके जाए, या किसी को देखने के लिए जाए किसी की तबीयत खराब हो। किसी की बात पर गंभीरता से फॉलो ये कर सकते हैं किसी को आज के दिन में, किसी की बात पर चलने की एनर्जी है। कोई सेज है, संत गुरु महात्मा, तो उनको भी ये फॉलो कर सकते हैं। और एक लास्ट है द सन। आज के दिन में कोई गुड न्यूज, कहीं ये ट्रेवल कर सकते हैं। इवन यहां पर किसी तरीके का कोई पावरफुल एक्शन ये आज के दिन में ले सकते हैं। सन की एनर्जी इनको बहुत फेवर कर सकती है, इनके लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करे, इनके प्रॉब्लम्स को ठीक करे और इनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट को लेकर आए। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की 24 आवर्स की एनर्जी। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।